नमस्कार दोस्तों, ये मेरे क्लास 10th का इंग्लिश का मॉडल पेपर है। आपको इस मॉडल पेपर का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। दोस्तों, आपकी बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल इसी प्रकार से आपका पेपर बनकर आने वाला है। ज्ञान की बात करें तो इस मॉडल पेपर में से आपकी परीक्षा में 30 से लेकर 40 नंबर के यहाँ पर प्रश्न आने वाले हैं। इसलिए आप इस मॉडल पेपर को पूरा अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, यहाँ पर देख लीजिएगा। इस मॉडल पेपर का पूर्णांक होने वाला 75 अंकों का, समय होने वाला 3 घंटे का, और इस पेपर में टोटल यहाँ पर 16 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा इस पेपर का पहला क्वेश्चन दिया सेक्शन ए से रीडिंग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको क्या करना है, रीड द फॉलोइंग पेजेस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको यहाँ पर एक पेसेज दिया है, इस पेसेज को आपको सावधानी पूर्वक पढ़ना है। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 5 क्वेश्चन दिए गए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा, पहले क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिए, चारों में से आपको करेक्ट आंसर चार्ट कर लगाना है। तो इसका आंसर लगा लीजिएगा, पहले में आपको लिखना होगा सी वाला, ठीक है, सी वाला आपको राइट आंसर लगाना है। इन सभी के आंसर आपको कहाँ से लिखना है, आपको इस पेसेज से चार्ट कर लगाना है, ठीक है। इसके साथ आपका दूसरा क्वेश्चन दिया, दूसरे क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिए, चारों में से आपको करेक्ट आंसर चार्ट कर लगाना है। इसका आंसर लगा लीजिएगा, दूसरे में आपको राइट आंसर यहाँ पर लगाना होगा ए वाला, ठीक है। उसके बाद आपका 3 वाला यहाँ पर क्वेश्चन दिया, 3 वाले क्वेश्चन में भी आपको 4 ऑप्शन दिए, चारों में से आपको करेक्ट आंसर चार्ट कर लगाना है। इसका आंसर लगा लीजिएगा, तीसरे में आपको बी वाला इज करेक्ट आंसर लगाना है। इसके साथ आपका चौथा यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया, चौथे वाले क्वेश्चन में भी आपको 4 ऑप्शन दिए, चारों में से आपको करेक्ट आंसर चार्ट कर लगाना है। इसका आंसर लगा लीजिएगा, चौथे में आपको राइट आंसर यहाँ पर लगाना होगा ए वाला बोरिंग, ठीक है। इसके साथ आपका 5 वाला यहाँ पर क्वेश्चन दिया, 5 वाले क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिएगा, इसमें आपको लिखना होगा बी वाला इज करेक्ट आंसर। दोस्तों, आपको 5ों के आंसर यहाँ पर याद करने की जरूरत नहीं है, आपको 5ों के आंसर ऊपर दिए गए पेसेस में से छाट कर लिखना होगा परीक्षा में, ठीक है। उसके साथ ही यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, क्वेश्चन 2 में आपको क्या करना है, रीड द फॉलोइंग पेसेस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको क्वेश्चन नंबर 2 में भी एक पेसेज दिया हुआ है, ये पेसेज आपकी परीक्षा में 5 नंबर का आने वाला है। सबसे पहले आपको इस पेसेज को ऊपर से लेकर नीचे तक अच्छे से सावधानी पूर्वक पढ़ लेना है, देख लेना है, ठीक है। इसको देखने के बाद इसके नीचे आपको 5 क्वेश्चन दिए, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिएगा, पहला आपका क्वेश्चन दिया, पहले क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिएगा, पहले में आपको लिखना होगा यहाँ पर ए वाला कुकिंग। दूसरा आपका दिया है, दूसरे का आंसर लगा लीजिएगा, दूसरे में आपको लिखना होगा यहाँ पर ए वाला वेजिटेबल ऑयल, ठीक है। उसके बाद आपका तीसरा दिया, तीसरे में आपको राइट आंसर कौन सा लगाना, तीसरे में आपको राइट आंसर यहाँ पर लगाना होगा बी वाला, ठीक है। उसके साथ ही आपका चौथे वाला दिया, चौथे वाले का आंसर लगा लीजिएगा, चौथे वाले में आपको राइट आंसर यहाँ पर लगाना होगा सी वाला। और 5 वाला क्वेश्चन दिया आपका, 5 वाले क्वेश्चन में आपको डी वाला इज करेक्ट आंसर लगाना है, ठीक है। जिससे क्वेश्चन 2 के आपके 5 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। पूरा का पूरा मॉडल पेपर आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जैसे कि हमने आपको ज्ञान की बात बता दी है, इस मॉडल पेपर में से आपकी परीक्षा में 30 से लेकर 40 नंबर के प्रश्न आने वाले। और फालतू बात करें तो इस मॉडल पेपर में से आपकी परीक्षा में कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। मतलब आपके पढ़ने के ऊपर है, आप इस मॉडल पेपर को कितना पढ़ते हैं और कितना परीक्षा में लिख पाते हैं, ठीक है। इसके साथ अगला देख लीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन 3 दिया है, रीड द फॉलोइंग पेजेस केयरफुली एंड मेक नोट्स एंड सप्ली ए सुटेबल टाइटल। दोस्तों, ये फ्री के नंबर आपके 4 के है, 4 आपके फ्री के नंबर, किस प्रकार से समझ लीजिएगा। इसमें सिंपल सा कुछ नहीं करना आपको, सबसे पहले परीक्षा में आपको लिखना होगा टाइटल, ठीक है। आपको इस पेसेज का आपको टाइटल निकालना है, ये पेसेज किसके ऊपर है, ये आपको इसका शीर्षक आपको लिखना होगा। और दूसरे नंबर पर आपको लिखना है यहाँ पर नोट्स से तैयार करना है, क्या करना है, नोट्स आपको तैयार करना है। डोंट वरी गाइस, डोंट वरी स्टूडेंट, और डोंट वरी यहाँ पर बच्चों, जो भी आप हो, ठीक है। दोस्तों, आपको इसका आंसर मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में, बता दूंगा कि
इस प्रकार से आपको परीक्षा में लिखना है, ठीक है, जिससे आपके चार के चार नंबर यहाँ से मतलब नींद में भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। इसके साथ आपका सेक्शन बी से राइटिंग वाला क्वेश्चन फोर दिया है, क्वेश्चन फोर में आपको क्या करना है यहाँ पर समझ लीजिएगा, जिससे आपको परीक्षा में लिखने में आसानी हो, ठीक है, और समझने में भी आपको आसानी हो। दोस्तों ऐसे सभी छात्र यहाँ पर परीक्षा में लिख भी देते हैं बट यहाँ पर नंबर कट जाते, किस कारण से कटते मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन फोर दिया है, यू आर निशी स्टडिंग इन गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मोरेना, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इश्यू बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक। आपको बुक बैंक की आपको क्या करना है, अपने प्रिंसिपल को यहाँ पर एक रिक्वेस्ट देना, प्राथमिकता आपको लिखना है, ठीक है, एप्लीकेशन आपको लिखना है, जिससे फोर नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। और इसके और वाले क्वेश्चन में आपको एक लेटर लिखना होगा, क्या करना है, इसके और वाले क्वेश्चन में आपको बर्थडे पार्टी के लिए आपके जो बड़े भाई है उनकी बर्थडे पार्टी है, ठीक है, उसके लिए आपके दोस्तों को इन्वाइट करना है, इसके तहत आपको इसमें एक लेटर एक पत्र आपको लिखना होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपको सिंपल सा मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन फाइव दिया है, क्वेश्चन फाइव में आपको क्या करना है यहाँ पर समझ लीजिएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर फाइव में किसी एक टॉपिक पर आपको एक ऐसे एक निबंध आपको लिखना होगा 150 शब्दों में आपको एक निबंध एक ऐसे आपको लिखना है, ठीक है, जिससे पांच नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे कि आपके सामने कौन कौन से यहाँ पर निबंध दिए हैं यहाँ पर देख लीजिएगा, इंपोर्टेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स, ठीक है। दूसरा आपका दिया डिसिप्लिन इन स्टूडेंट लाइफ, तीसरा आपका दिया मॉडर्न टेक्नोलॉजी। दोस्तों इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये आपका वंडर ऑफ साइंस का ही निबंध है, ठीक है, ये हमारा वंडर ऑफ साइंस का निबंध आपका। और चौथा आपका दिया अन इंडियन फेस्टिवल। तो सबसे ज़्यादा कौन सा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है आपकी परीक्षा में, बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा यहाँ पर पूछा जाता है हमारा इंपोर्टेंट और स्पोर्ट्स एंड गेम्स, ठीक है। और आप इसके साथ ही यहाँ पर वंडर ऑफ साइंस का निबंध भी याद कर लीजिएगा, मतलब दोनों यदि आपने याद कर लिए तो आपके पाँच नंबर, ठीक है, नींद में भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। उसके साथ ही इसके और वाला क्वेश्चन दिया आपका, और वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है यहाँ पर देख लीजिएगा, राइट ए पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड। आपको 150 शब्द में किसी एक टॉपिक पर एक पैराग्राफ आपको बनाना है, ठीक है। तो अच्छे से एक पैराग्राफ आप बना लीजिएगा, ठीक है, या फिर आप ऊपर वाले क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ ही यहाँ पर हमारा क्वेश्चन सिक्स दिया, क्वेश्चन सिक्स में आपको क्या करना है, ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर्स गिवन बिलो राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ। आपको इस पिक्चर्स को देखने के बाद इसके बारे में आपको एक शॉर्ट एक छोटा सा आपको पैराग्राफ निर्माण करना है, ठीक है, एक पैराग्राफ आपको लिखना होगा समथिंग यहाँ पर एक पेज में, और इसमें आपका 120 मतलब 120 शब्दों में आपको लिखना होगा, जिससे यहाँ पर तीन नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। तो अच्छे से इसको देखकर आप मन से भी यहाँ पर लिखने की कोशिश कीजिएगा, जिससे आपके तीन नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। और इसके साथ ही आपका यहाँ पर सेक्शन सी से ग्रामर वाला क्वेश्चन सेवन दिया हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स एनी फाइव, ये आपकी परीक्षा में पाँच नंबर के आने वाले है। जैसे कि पहला देख लीजिएगा, पहले में आपको क्या करना है, पहले में आपको मैनी लिटिल और मच तीनों में से जो करेक्ट है उसका आंसर आपको चार्ट के लगाना है यहाँ पर खालिस्तान में। तो इसका आंसर लगा लेगा, पहले में आपको लिखना होगा यहाँ पर मच, क्या लगाना है पहले में आपको मच लगाना है। दूसरा आपका दिया दूसरे में आपको फ्रॉम आपको लगाना है, ठीक है, और तीसरा आपका दिया तीसरे में आपको राइट आंसर रिटायर्ड लगाना है, और चौथे में आपको राइट आंसर यहाँ पर शुड लगाना शुड, और पांचवे में आपको राइट आंसर लगाना होगा यहाँ पर ए, और उसके साथ ही छठे में आपको राइट आंसर लगाना है यहाँ पर बी का उज, और सातवें में आपको राइट आंसर यहाँ पर लगाना है बीच लगाना है, ठीक है। तो सभी के आंसर हमने आपको बता दिया, अच्छे से लिख लीजिएगा अपनी रफ कॉपी में। इसके साथ ही यहाँ पर अगला देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर एट दिया है। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यार, क्योंकि यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करने का यहाँ पर कोई पैसा नहीं लग रहा है, कर लीजिएगा यार, कर लीजिएगा, ठीक है, इतनी मेहनत करते कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन एट देख लिया, डू अस डायरेक्ट एनी फाइव। दोस्तों आपको कितने यहाँ पर, आपको सात क्वेश्चन दिए, सातों में सिर्फ आपको पाँच के जवाब देना है, यहाँ पर समझ लीजिएगा इनके आंसर भी आपको मिल जाएंगे, डोंट वरी। यहाँ पर पहला आपका दिया, पहले में आपको क्या करना है, सो डेट का प्रयोग करना है, क्या करना है, सो डेट का प्रयोग आपको इसमें करना होगा। तो ये बहुत सिंपल सा सेंटेंस आपको दिया है, ठीक है, इसमें आपको वेरी के स्थान पर सो लगाना आपको, और यहाँ पर कोमे के स्थान पर आपको क्या लगाना, डेट आपको लगा देना है, ठीक है, और पूरा का पूरा सेंटेंस आपको वैसे का वैसे आपको लिख देना है। अब आपका दूसरा दिया, दूसरे में आपको क्या करना, चेंज इनटू नेगेटिव, आपको इस सेंटेंस को नेगेटिव में आपको बदलना होगा, ठीक है, आई डिड नॉट माई वर्क
ऑन द ऑन टाइम, ठीक है, ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा पूरा नेगेटिव वाला, ठीक है। इसके साथ आपका तीसरा आपका दिया है अमित है, एट ऑल द स्ट्रीट्स चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, इंट्रोगेटिव में आपको बदलना है। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन मार्क वाला, ठीक है, इसमें आपको बदलना होगा। इसके साथ आपका चौथा दिया है इफ यू रन फास्ट यू कैन कैच यूअर बस। यदि आपने रन मतलब जल्दी यदि आप भागे नहीं तो आप अपनी बस को कैच मतलब पकड़ नहीं सकते, ठीक है। यूज अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ, आपके इफ के स्थान पर आपको अनलेस का प्रयोग कर देना है। पांचवा आपका दिया, पांचवे में आपको क्या करना है, कंबाइन द सेंटेंस इनटू ए रिलेटिव क्लाउज। आपको इस सेंटेंस में क्या करना है, रिलेटिव क्लाउज का आपको प्रयोग करना है सिंपल सा। इसके साथ आपका चेटा दिया, चेटे में आपको क्या करना है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। आपको इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना होगा। अब आपका सातवां देख लेगा, सातवें में आपको क्या करना है, चेंज द सेंटेंस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। इन सभी के आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में, डोंट वरी, आपको सभी के आंसर मिलने वाले इस वीडियो के लास्ट में। चलो ठीक है, मैं आपको इनके आंसर भी बता देता हूँ सबसे पहले। हाँ, जैसे कि हमने यहाँ पर क्वेश्चन एक से लेकर आठ तक के यहाँ पर क्वेश्चन देख लिए थे, अब मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, उसके बाद आपको क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। अच्छे से देखिए और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपनी रफ कॉपी में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ऐसा है यदि आप अपनी रफ कॉपी में लिखेंगे तो आपकी राइटिंग भी थोड़ी यहाँ पर सुधर जाएगी और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक, कौन सा क्वेश्चन का कौन सा उत्तर है। तो ये हमारा हो जाएगा सेक्शन ए से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका आंसर हो जाएगा। परीक्षा में आपको बिल्कुल इसी तरह से लिखना है, ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार से आपको बोर्ड परीक्षा वार्षिक परीक्षा में आपको लिखना होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का आपका आंसर हो जाएगा और इसके साथ ही नीचे वाला हमारा क्वेश्चन टू के आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा। इसी प्रकार से आपको बोर्ड परीक्षा में लिखना है, इसलिए हमने यहाँ पर इतनी मेहनत से यहाँ पर लिखा है, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री, जिसमें आपको टाइटल और नोट्स आपको बनाने के लिए बोला गया था ना, तो यहाँ पर देख लीजिए इस प्रकार से आपको टाइटल और नोट्स तैयार करना है। बहुत मेहनत लगी यहाँ पर इसको बनाने में, ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको परीक्षा बनाना है, ठीक है। तो इसका टाइटल हो जाएगा आपका वॉकिंग हॉलीडे और इसका नोट्स आपको हो जाएगा पॉइंट के माध्यम से, 1 पॉइंट हमने लिखा है, उसके बाद 1.1, 1.2, 1.3 आपको हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरे पॉइंट में आपको लिखना होगा 2.1, 2.2, ठीक है। इसके साथ ही आपका अगला दिया हमारा देख लीजिएगा 3 पॉइंट में आपको यहाँ पर हमने लिखा है 3.1, 3.2, इस तरह से आपको लिखना है। यदि आपके टीचर लोग या आपके स्कूल में कोई अलग तरीका है इसको लिखने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, उस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना। और यहाँ पर हमारा 4 पॉइंट में आपको लिखना होगा 4.1, 4.2, 4.3 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको परीक्षा में नोट तैयार करके लिखना है, ठीक है, जिससे यहाँ पर कितने 4 नंबर यहाँ से कम्प्लीट हो जाएंगे। अब आपका अगला देख लीजिएगा यहाँ पर सेक्शन बी से क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको एक एप्लीकेशन आपको लिखना था, कौन सी बुक बैंक की आपको एक एप्लीकेशन आपको लिखना था, ठीक है। इसका आंसर आपको दिया, अच्छे से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा सेक्शन सी से ग्रामर वाले क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिसमें आपको क्वेश्चन सेवन फिल इन द ब्लैंक से दिए थे, तो इनके आंसर आपके लिए दे रखे, अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। और इसके साथ ही नीचे हम आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर डू अस डायरेक्टेड जो हमारे पूछे गए थे निर्देश के अनुसार आपको क्वेश्चनों के जवाब देना था, तो इनके आंसर हमने लिख रखे। पहले का आंसर आपको हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा और चौथे के बाद छठा, छठे के बाद आपको इतने करने थे, ठीक है। एक हो जाएगा आपका 2, 3, 4, 5, ठीक है, 5 के आंसर आपको देना है परीक्षा में। अब मैं आपको चलता हूं यहां पर क्वेश्चन 8, 9 पर, आपको सबसे पहले क्वेश्चन बता देता हूं, उसके बाद आपको आंसर बताऊंगा, ठीक है। हाँ, तो हमने आपको क्वेश्चन एक से लेकर आठ तक के आंसर बता दिए। अब हम चलते हैं सेक्शन डी से। सेक्शन डी में आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक से आपके क्वेश्चन पूछे, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन 9 देख लीजिएगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, या आपकी परीक्षा में 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, जिसका हमारा पहले दिया है द बेकर्स आर नाउन इन ए गोवा अस, इसमें आपको लगाना होगा बी वाला। और दूसरा आपका दिया लेंचो कॉल्ड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, इसमें आपको लगाना है, क्या लगाना है इसमें आपको, यहाँ पर लगाना होगा राइट आंसर, कौन सा लगाना है, इसमें आपको बी वाला, ए बंच ऑफ क्रॉक्स आपको लगाना है, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर अगला देख लीजिएगा, यहाँ पर आपका तीसरा दिया, तीसरे में आपको सिंपल सा लगा देना है, यहाँ पर कौन सा लगाना है, डी वाला पीस आपको लगाना है। और चौथे में आपको लगाना होगा यहाँ पर बी वाला, यंग गर्ल आपको लगाना है, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 3 का यहाँ पर ए वाला देख लीजिएगा, ए वाले में आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रोस एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ये आपकी परीक्षा में 3 नंबर के पूछे जाने वाले हैं।
तो सबसे पहले आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको क्वेश्चन दे तीन, जैसे कि हमारा पहला देख लीजिएगा, फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेक्स बीन टेकन, मतलब ये लाइन है हमारी जो है लेसन की, यहाँ पर किसने लिखा है, मतलब कहाँ से ली गई है, ठीक है, किस यहाँ पर लेसन, किस पार्ट से, किस अध्याय से यहाँ पर ली गई है, ये आपको बताना है। तो पहले का आंसर लगा लीजिएगा, पहले में आपको लिखना होगा सिंपल सा डी वाला, और दूसरा का दूसरे में आपको बी वाला लगाना है, और तीसरे में आपको राइट आंसर यहाँ पर लगाना होगा डी वाला, ठीक है, डी वाला अच्छे से लगा लीजिएगा, सी हुड डांस ए लॉट, ठीक है। इसके स्थान पर एक और हमारा ऑप्शन था, कौन सा था यहाँ पर, कुछ था, ठीक है, बट यहाँ पर इसके स्थान पर थोड़ा यहाँ पर दूसरे यहाँ पर ऑप्शन आ गए, डोंट वरी, बट आपको यही आपको आंसर लगाना है। अब आप अगला देख लीजिए, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन टेन का बी वाला आपका क्वेश्चन दिया है, रीड द फॉलोइंग एक्सेट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, यहाँ पर आपको पोएम्स की लाइनें दी गई है, इनको अच्छे से पढ़ लेना है। इनको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको तीन क्वेश्चन दिए, जैसे कि हमारा पहला देख लीजिएगा, फ्रॉम विच पोएम हैव द एबव लाइंस बीन टेकन, ये हमारी जो पोएम्स की लाइनें हैं ना, यहाँ पर कहाँ से ली गई है, किस लेसन से, किस अध्याय से, किस कविता से यहाँ पर ली गई है, आपको बताना है। तो पहले का आंसर लगा लीजिएगा, पहले में आपको सिंपल सा लिखना होगा यहाँ पर ए वाला, दूसरा आपका दिया, दूसरे में आपको बी वाला स्माइल लगाना है, और तीसरे में आपको राइट आंसर यहाँ पर लगाना होगा यहाँ पर सी वाला बैकवर्ड, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन है यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन 11 दिया हमारा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 31 and 6, आपको 7 क्वेश्चन दिए, 7 में सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ आपको यहाँ पर 6 क्वेश्चनों के जवाब देना है, ठीक है, इन सभी के आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब आपको क्वेश्चन 12 देख लीजिएगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 31 and 2, आपको यहाँ पर कितने क्वेश्चन दिए, 3 क्वेश्चन है, तीनों में से आपको 2 क्वेश्चनों के जवाब देना है, इनके आंसर भी आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब आपका क्वेश्चन 13 देख लीजिएगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 31 and 2, आपको कितने क्वेश्चन दिए, यहाँ पर देख लीजिएगा 3 क्वेश्चन दिए, तीनों में सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन का जवाब देना है, और इनके आंसर भी आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। यदि आप इंग्लिश में कमजोर हो तो बिल्कुल इस मॉडल पेपर को पूरा अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, हमने आपको ज्ञान की बात बता दी है, इस मॉडल पेपर में से आपकी बोर्ड परीक्षा, आपकी वार्षिक परीक्षा में 30 से 40 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, मतलब आपके पास लाइक तो क्वेश्चन इसमें से हो जाएंगे। अब आपका यहाँ पर देख ले क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 14 दिया, इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए, दोनों में सिर्फ आपको 1 क्वेश्चन का जवाब देना है, जिससे 3 नंबर आपसे कंप्लीट हो जाएंगे, डोंट वरी, इन सभी का आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 15 दिया है, 15 के बाद यहाँ पर हमारा 16 क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, ठीक है। अब मैं आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ, ठीक है। हाँ तो यहाँ पर डायरेक्ट देख लीजिएगा, हमने आपको 1 से लेकर 8 तक के आंसर बता दिए थे पहले से ही, और अब आप देख लीजिएगा 9 के आंसर लगा लीजिएगा। इसी प्रकार से आपको बोर्ड परीक्षा वार्षिक परीक्षा में लिखना होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार से आपको वार्षिक परीक्षा में लिखना होगा, इस तरह से आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, ठीक है। उसके साथ ही यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन 9 के आंसर आपको दिए, ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा, और इसके साथ ही यहाँ पर नीचे आएंगे हम, क्वेश्चन 10 के आंसर लगा लीजिएगा, ये हमारा क्वेश्चन 10 का, यहाँ पर ए वाले के आंसर आपको हो जाएंगे, अच्छे से लिख लीजिएगा, और नीचे वाले हम यहाँ पर चलेंगे, ये हमारा क्वेश्चन 10 का बी वाले के आंसर आपके हो जाएंगे, सिंपल सा, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन 11 का आंसर लगा लीजिएगा, यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 11 का आपका पहले का आंसर आपको दिया, और ये हमारा क्वेश्चन 11 का दूसरे का आंसर आपको दिया है, ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा अपनी रफ कॉपी में। और उसके साथ ही यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 11 का, क्वेश्चन 11वीं का आपका चौथे का आंसर देख लीजिएगा, और ये हमारा क्वेश्चन 11वीं का आपको 5वीं का आंसर यहाँ पर दिया, अच्छे से देख लीजिएगा, और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 6ठे का आंसर आपको दिया है, यहाँ पर 11वीं का, और 11वीं का आपको 7वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है, ठीक है, पूरा का पूरा देख लीजिएगा अच्छे से अपनी रफ कॉपी में लिख लीजिएगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन 12वीं का आंसर लगा लीजिएगा, ये हमारा क्वेश्चन 12वीं का आपका पहले का आंसर हो जाएगा, और ये हमारा क्वेश्चन 12वीं का आपका दूसरे का आंसर, ये हमारा कक्षा मतलब 12वां का आपका तीसरे का आंसर आपको हो जाएगा, ठीक है, माफ करना, और ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर 13वीं का आपका पहले का आंसर आपको दिया है, ठीक है, पूरा का पूरा देख लीजिएगा, ठीक है, और ये हमारा 13वीं का आपका दूसरे का आंसर आपको दिया, और ये हमारा 13वीं का आपका तीसरे का आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही आपका 14 क्वेश्चन का यहाँ पर और 8वीं वाला का आंसर लगा लीजिएगा और लिख लीजिएगा अपनी रफ कॉपी में। इसके साथ ही आपका क्वेश्चन 15, क्वेश्चन 15 का आंसर लगा लीजिएगा, ये हमारा क्वेश्चन 15 का आपको पहले का आंसर दिया, ठीक है, और इसके साथ ही आपको इसके और वाले का आंसर भी देखने को मिल जाएगा। अब आपका देख लीजिएगा,
यहाँ पर आपको 16वें क्वेश्चन का आपको पहले का आंसर दिया, ठीक है, और इसके साथ ही यहाँ पर 16वें क्वेश्चन का आपको और वाले का आंसर यहाँ पर दिया। पूरा का पूरा हमने मॉडल पेपर का आपको सॉल्यूशन बता दिया है। अब आपकी यहाँ पर जिम्मेदारी है कि आप इस मॉडल पेपर को कितना याद करते हैं, ठीक है, ठीके? तो याद कर लीजिएगा यार, कोई यहाँ पर बोलेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि आपसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, सभी मतलब ही है, इसलिए याद कर लीजिएगा, ठीक है। हमने आपको ज्ञान की बात बता दी है, इस मॉडल पेपर में से आपकी परीक्षा में 30 से लेकर 40 नंबर के आने वाले, और फालतू बात करें तो यहाँ पर इस मॉडल पेपर में से आपकी परीक्षा में कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। तो ज्ञान की बात हमने अच्छे से बता दी है, फिर आपकी मर्जी ज्ञान की बात करना है या फिर फालतू बात, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब जय हिंद वंदे मातरम।